क्या मैं कहूँ, क्या क्या करूँ मौला जतन। छाई उदासी यूं चार सू गुजरे, जो दिल पे सहना सकूं बढ़ने लगी है मौला थकन। और वैसे तुम निकाह से पहले यहाँ करने क्या आए हो? निकाह का फॉर्म लेकर आया। मैंने सोचा तुम्हारे सामने बैठ के ही फिल करूं, वरना सारी जिंदगी तुम मुझे ताने दे देकर मेरी जिंदगी अजाब में डाल दो। अम्मा जी, आपकी चाबी पकड़िए ना, और इसको अपने पल्लू पे एहतियात से बांध लीजिएगा। सॉरी अम्मी, असल में हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे एक कदम उठाना पड़ा। मैं मानता हूं कि उसने जज्बात में गलत कदम उठा लिया है, लेकिन हमें तो होश से काम लेना होगा ना, हमें तो बड़ेपन का मुजाहरा करना होगा। और देखो, बात को खामखा बढ़ाने से तो कुछ नहीं होगा। बात तो अब बढ़ ही चुकी है, मुझे आपकी कोई दलील मुतमईन नहीं कर सकती। मैंने आपसे कह दिया, मुझे ये लड़की कबूल नहीं है तो नहीं है। ये फराज भी न जाने कल शाम से कहां चला गया। कल की सारी रात गुजर गई, आज का आधा दिन गुजर गया, पता ही नहीं कहां है। फोन, एक तो फोन करना हो तो फोन नहीं मिलता। अम्मी, मैं भाई भाभी को बुला लूं? चुप करके खाना खाओ। और कान खोल के सुन लो, खबरदार जो आइंदा मेरे सामने इस लड़की का नाम लिया। कोई रिश्ता नहीं हमारा उससे, कोई भी ताल्लुक नहीं है। अरे वाह, इतनी सारी शॉपिंग, लगता है निकाह की खुशी में सारी मार्केट खरीद कर ले आए हो। हाँ, दुनिया दिखावा तो करना ही पड़ता है। आप परेशान मत हो, दिल का नहीं, दरअसल मजबूरी का सौदा है ये। मैं क्यों परेशान हूँ? अलबत्ता तुम्हें जानकर शायद थोड़ी सी परेशानी हो कि तुम्हारी होने वाली दुल्हन कल रात घर से फरार हो गई। आसान लफ्जों में बताऊं, तुम्हें रिजेक्ट करकर भाग गई। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए तुम्हारी जिंदगी इस अजाब से बच गई, जान छूट गई तुम्हारी। मजबूरी का सौदा। बहुत आप उस रोज लेक्चर दे रही थी ना कि जोश से काम नहीं लेना चाहिए, होश से काम लेना चाहिए। देख लिया होश से काम लेने का अंजाम, दिखा दी ना उसने अपनी औकात।
अगर उस दिन उसको जिंदा दफना दिया होता तो आज हम सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता। सच कह रहा है तू, बाज मामलों में जोश से काम लेना ही भला होता है। बेगैरत ने कहीं का ना छोड़ा, और इलियास को देखो, सारा इल्जाम मेरे सर पे थोप रहा है। मुझे भला उसे भगाकर क्या सवाब मिलेगा? वैसे सवाल तो बनता है नानू, लॉक कमरे से वो निकली कैसे? उसके पास कोई अलग जिन का चिराग तो था नहीं कि जिन ने उसको लॉक कमरे से फरार करा दिया। अब जिसके पास चाबी है इल्जाम तो उसी पर ही लगेगा ना। हाँ थी चाबी मेरे पास, बस इसी गुनाह की सजा भुगत रही हूं मैं। मेरा यकीन कर बेटा, ये सब उस चुड़ैल की साजिश है जिसे इलियास ने हमारे सरों पे बैठा दिया है। उस चुड़ैल ने मेरे मासूम बेटे को मेरा दुश्मन बना दिया है। कौन? सितारा मामी? आपका मतलब है कि सितारा मामी ने उसे फरार कराया? बस कर दे नानू, पहले आप उस साले मामी से बेजार थी और अब बेचारी सितारा मामी के पीछे पड़ गई है। इला वजह की नफरत की भी हद होती है। मैं सच कह रही हूँ बेटा, इलियास भी मेरी बात नहीं सुन रहा, कम से कम तुम ही यकीन कर लो। रहने दे नानू, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वैसे इस बार मसला मामू का नहीं है, वो मेरी होने वाली बीवी थी, उसने भाग कर अच्छा नहीं किया। अब ये मेरा फर्ज बनता है कि उसको उसके आशिक के साथ ढूंढ कर अंजाम तक पहुंचा। साहिर, साहिर कुछ कह रहे हैं? अब क्या होने वाला है? आंटी तो हमारी सोच से भी ज्यादा खफा है। मैंने उनकी आंखों में अपने लिए बहुत नफरत देखी। मुझे आने वाले वक्तों से डर लग रहा है जाहिर। शादी का पहला दिन सबके लिए यादगार होता है, मगर हमारे लिए तो यादगार तरीन हो गया। नहीं, अच्छी खासी मजाकिया बात की थी मैंने, बंदा मुरव्वत में ही मुस्कुरा देता है। हमसे गलती हुई है, वो हमारे बड़े हैं, उनका हक है हम पर खफा होने का, मगर काश काश आंटी तुम पर हाथ ना उठाती। जब तुम मुस्कुराती हो ना तो जिंदगी का एहसास होता है। अरे यार याद आया, हम तो जिंदा लोग हैं और जिंदा लोगों को तो खाना पीना भी चाहिए। चलो चलकर कुछ खाते हैं, सुबह नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया, तुम्हें भी भूख लगी होगी ना? नहीं मुझे तो भूख नहीं। मगर मुझे शदीद भूख लगी है। अरे वक्त तो देखो, चलो चलकर खाना खाते, आ जाओ। नहीं जाहिर, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे भूख नहीं है। अम्मी से डर रहे? अरे बाबा इस वक्त सब लोग अपने रूम में होंगे, दुल्हन होने का पूरा प्रोटोकॉल दूंगा, मैं हाथ से खाना खिलाऊं। चलो। नहीं ना मुझे नहीं। अरे नहीं बस नखरे। अच्छा सुनो तो ना। आओ। वो खाना भिजवा दिया दोनों को? अरे क्या हो गया, दोनों बच्चे हैं, भूख लगी होगी उन्हें। मेहमान नहीं है वो, है खुद खा लेंगे, और मैं नौकरनियों को सबको खाने देती फिरूं। दिमाग खराब करके रख दिया, खाना भिजवा दिया, खाना भिजवा दिया, ये तो मुसीबत आ गई। और ऊपर से प्लेट्स,
वैसे ऐसी लड़की हो ना तुम? क्या हुआ? शादी के पहले ही दिन अपने दूल्हा से खाना गर्म करवा रही हो। ऐसी हूँ मैं, और नहीं खाना मुझे खाना। अरे इतना नाराज होने की क्या बात है, तुम कहो तो जिंदगी भर तुम्हारे लिए खाना गर्म कर सकते, बल्कि खाना बना भी सकते। यार क्या है ये, पहले ही दिन अपना मूड इतना खराब कर लिया, इतनी बुरी बुरी शक्लें क्यों बना रही हो? मैं बुरे बुरे मुंह बना रही हूँ? हाँ वैसे बना तो रही, मुझे क्या जरूरत पड़ी झूठ बोलने की? झूठ सिर्फ जरूरत के तहत ही बोला जाता। अच्छा तो मैं झूठा हूँ? हाँ हूँ, लेकिन एक तो सच है जिस पर तुम्हें यकीन करना ही होगा, तुम इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की। वो मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन हूँ। क्या मुश्किल है, हर वक्त बातें करते रहेंगे, सोने भी नहीं देते आप। अच्छा और क्या क्या पता है आपको? तुम जैसी ढीठ लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। नहीं, बेइज्जती होने के बाद भी अभी तक तुम इस घर में मौजूद हो। अम्मी इस घर की बहू है। खबरदार जो तुमने इस लड़की का रिश्ता इस घर से जोड़ा, तो मैं एक लम्हा इस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो। अम्मी अम्मी प्लीज, क्या आप ज्यादती कर रही हैं? मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ऐसी बात नहीं अम्मी, मगर साफ साफ कहो कि तुम्हें अपनी लाडली की शान में गुस्ताखी पसंद नहीं आई। शर्म से सर झुका दिया तुमने मेरा। आए आए आप भी सुने जरा अपनी लाडली की बातें। चार दिन की जान पहचान की मोहब्बत ने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली कि अपने माँ बाप की इज्जत रोलने के बाद अब ये हमें सबक भी पढ़ाएगा, हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। चलो पकड़ो इस बात और निकलो मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से इसी वक्त। देखा आपने इसके तेवर, सब कुछ करने के बाद ये नहीं कि मुझसे माफी मांगे, उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहा है कि हम उसके साथ ज्यादती करें, और ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता शबीर, अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। आप इसे कमरे में ले जाओ। क्यों कमरे में क्यों? बहुत तनतनाता हुआ गया है ना हीरो बनकर, वो इसे अपने साथ लेकर जाएगा, नहीं रहेगी मेरे घर में। आए, मेरे साथ चल। आप मुझे क्यों गलत साबित कर रहे हैं, सब कुछ इन्होंने। कुछ पता चला लड़की का? पता चलता तो क्या अकेला चला आता? आप तो इतनी उम्मीद से गए थे, मैं तो दुआ कर रही थी कि उसे अपने साथ ही लेकर आएंगे। जब अपने ही पीठ में छुरा घोंपने लगे तो इंसान की दुआएं भी कबूल नहीं होती। अब क्या होगा? प्यारी अम्मा जान ने भगाया उसे, ये तो अभी नहीं को बताना चाहिए कि अब आगे क्या होगा। अरे मैंने नहीं भगाया उसे, मुझे भगा के कौन सी जायदाद मिल जानी थी मेरे बच्चे। तुमने उसे क्यों भगाया ये राज तो तुम ही जानती हो, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मां, आग लगा दी मेरे अखबार को। जब लोगों को पता चलेगा तो वो थू थू करेंगे मुझ पे, लेकिन नहीं, मैं वो वक्त ही नहीं आने दूंगा। मैं आज ही अपना किस्सा पाक कर देता। अरे इलियास, इलियास देख, इलियास मेरे बच्चे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ,
कोई ऐसा काम मत करना कि मैं मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं। मेरी इज्जत का जनाजा निकालते हुए तुम्हें ये ख्याल नहीं आया? अगर उस वक्त ख्याल कर लिया होता तो आज ये वक्त ना देखना पड़ता मुझे। अरे कैसे समझाऊं तुझे, मेरा कोई कसूर नहीं है, कैसे यकीन दिलाऊं तुझे? तुम भरोसे के लायक हो भी अम्मा? सारी जिंदगी तुम मुझे धोखा ही देती रही, रुपए पैसे के लिए तुम मुझे धोखा ही देती रही, झूठ बोलती रही मुझसे, और अब तो तुमने मेरे साथ वो किया है कि मुझे कब्र में जाकर ही पनाह मिलेगी। अल्लाह ना करे मरे तेरे दुश्मन। बस अम्मा बहुत हो गए तुम्हारे ये ड्रामे, अब मैं इनमें आने वाला नहीं हूँ। इधर आना, जल्दी आ, रोक इसे, तेरी सुनता है ये। आप तो पीछे हटे, इलियास क्या कर रहे हैं आप? इलियास छोड़े इसे, क्या कर रहे हैं? बस रहने दीजिए सितारा जी, जीने के लिए कुछ नहीं रह गया मेरे पास, मैं हमेशा सर उठा के जिया हूं। सर झुका कर दुनिया का सामना नहीं हो सकता मुझसे। इलियास किसी के किए की सजा अपने आपको क्यों देंगे आप? आप तो उसको सजा देना जिसने इस घर की इज्जत को रौंदा है। वो बेगैरत मुझे मिले तो तब ना, वो तो अपना कोई नाम निशान तक छोड़ के नहीं गई, हर जगह जाके ढूंढ लिया, जहां जहां मुझे उम्मीद थी, कुछ पता नहीं चला मुझे उसका। अच्छा हौसला रखिए, ये मुझे पकड़ा है, छोड़े आप बैठे हैं आराम से, आप खड़े खड़े क्या तक रही है यहाँ पर, जाए यहां से जाए। शायस्ता के ऐसे रद्दमल से तो हमारा और हमारे घर का एक तमाशा बन जाए। शायस्ता को समझाना होगा, हो जाने वाली बात और कमान से निकल जाने वाला तीर वापस नहीं पलट सकते, और उन्हें जूं का तू कबूल करना पड़ता है, दिल चाहे या ना चाहे। अम्मी देखिए भाई भाभी को हमेशा के लिए ले आए। असल में हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे एक कदम उठाना पड़ा। देखें शायस्ता इस उम्र में सबकी जिंदगी में ऐसे जज्बाती लम्हात आते हैं, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम इस निकाह को कबूल करें। मोहब्बत करने वाले इतने भी रूठ नहीं होते। अम्मी को ना जाने क्या हो गया, ना रूठ तो कभी वो जिंदगी में किसी के साथ नहीं हुई। साहिर अभी तक नहीं आए। आप फिक्र ना करें भाभी, भाई आ जाएंगे। भाभी अम्मी की तरफ से मैं आपसे अपोलोजाइज करती हूँ, पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है। अच्छा आप रोए मत, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। भाभी आप एक काम क्यों नहीं करती, भाई को फोन कर लें। वैसे तो जब वो गुस्से में होते किसी का फोन रिसीव नहीं करते, लेकिन आप करके देख लें, शायद आपको फोन उठा लें। लेकिन मेरा नंबर क्या हो गया भाभी, खेले मेरा फोन, माफ कर लें भाई से। आप बात करें, मैं आती हूं। थैंक यू। मेरे चार
غیرت مند مرد کو اگر اس کی ناپسندیدہ عورت بھی رد کر دے تو حساب برابر کرنا بنتا ہے. میں اس بے غیرت کو ڈھونڈ کے اس کے انجام تک پہنچاؤں گا. ایسا نہ کر سکا تو لعنت ہے مجھ پہ. بھائی نے فون نہیں اٹھایا. اس نے فون ہی آف کر دیا. اب فکر نہ کریں بھابھی, پریشان نہ ہو. بھائی غصے میں اکثر فون آف کر دیتے. تمہاری جو وہ چہیتی سہیلی ہے نا, کل رات سے گھر سے غائب ہے. تو اس بات سے میرا کیا تعلق ہے؟ وہ یقیناً تم سے کانٹیکٹ بھی تو ہو.